देखिए आपको चार वीडियो जरूर देखनी है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर और शॉर्टकट की। पावर पॉइंट को एक दफा आप नेगलेक्ट कर भी सकते हैं, बट एमएस एक्सेल एंड एमएस वर्ड जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। इन दोनों से जरूर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए कंप्यूटर को किस तरह से तैयार करना है। कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि मैम अभी तक कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। मैं बता देती हूँ आपको, कंप्यूटर के जब आप प्रीवियस ईयर के सेट लगाते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर वास्तव में टफ पूछा जा रहा था। एक दफा उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका प्लस टू में कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा था, कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर 10 नंबर का ही होता है जिसमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, बाकी 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करूं, 7 से 8 क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं, और वो भी अगर मैं बात करूं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कंप्यूटर को किस तरह से प्रिपेयर करना है, इन लास्ट डेज में आपको किस तरह से तैयारी करनी है कंप्यूटर की, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर वहां पर आप गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि अब इतना टाइम आपके पास नहीं रहा है कि आप एक एक टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़े या उसकी तैयारी करें। इन दिनों में आपको जरूरत है कि आप प्रीवियस ईयर के सेट लगाएं, और प्रीवियस ईयर के सेट आप कहां से लगाएंगे, आप देखिएगा दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय प्रीति मैम, जिनमें उन्होंने 2 घंटे 52 मिनट की एक वीडियो दे रखी है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उस वीडियो में जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आप साइड में राइट डाउन भी कीजिए। एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर में कैलकुलेटिव भी पूछा जाता है, जैसे सम एंड ऑल से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइए कि हो सके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से कैलकुलेशन से भी एक आध नंबर मिल जाए, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। उसके साथ ही साथ हम बात करें कि कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सी वीडियोस आपको देखनी है इन दिनों में। देखिए एग्जाम बोर्ड में प्रीति मैम ने 15 दिन 15 चैप्टर्स ऐसे करके सीरीज डाली हुई है, गद्दर सीरीज नाम से, वो जरूर आपको देख के जानी है। रोज एक वीडियो उसमें अपलोड होती है, 6-7 दिन उस वीडियो को अपलोडेड होते हुए हो गए हैं और कुछ दिन अभी उसके रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी है वो आप जरूर देख के जाए। मेरी तरफ से पर्सनली आपको सजेशन है कि वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि प्रीति मैम जो क्वेश्चंस देती हैं वो डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें कैलकुलेटिव पोर्शन भी मैंने आपको बताया कि एक आध क्वेश्चन जरूर आपका सम एंड ऑल से रिलेटेड पूछा जाएगा, उसकी भी जरूर आप प्रैक्टिस करके जाइए और प्रीवियस ईयर के सेट लगा के जाएंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि किन किन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे टॉपिक नहीं है आपके, मेनली कुछ एक टॉपिक है। जैसे मैं बात करती हूँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद में इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर, उसके अलावा कम्युनिकेशन, उसके अलावा एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को एक दफा आप नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं, बट एमएस एक्सेल एंड एमएस वर्ड जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। इन दोनों से जरूर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2007 एंड 2009 से। इनके अगर ये टॉपिक आपके वीक है तो पर्टिकुलरली आप एमएक्स एक्सेल या एमएक्स वर्ल्ड बाय प्रीति मैम, या फिर एमएक्स एक्सेल या एमएक्स वर्ल्ड बाय रजत सर, जो भी उत्कर्ष में पढ़ाते हैं डायग्राम से रिलेटेड, उनसे आप अपनी क्लास ले सकते हैं। 1.5-2 घंटे की एक एक क्लास होगी और उन क्लास में आप अपने सारे डाउट दूर कर लीजिए। अगर उनमें भी आपके नहीं बन पा रहे हैं तो वर्ल्ड और एक्सेल से जो प्रश्न आ रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, चाहे वो हेड कॉन्स्टेबल हो, चाहे वो कॉन्स्टेबल हो, या सीपीयू या सीजीएल हो, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप जरूर लगा के जाइए। उसके साथ ही साथ एक टॉपिक और आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर शब्दावली, उसके साथ ही साथ शॉर्टकट कीज। देखिए आपको चार वीडियो जरूर देखनी है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर और शॉर्टकट की, क्योंकि आपको एक प्रश्न आपका शॉर्टकट की से पक्का आएगा, एक कंप्यूटर शब्दावली से आएगा, एक कंप्यूटर परिचय से आएंगे। 3 प्रश्न आपके यहाँ से पक्के हैं, तो 10 में से 3 प्रश्न आपके ये पक्के हो गए। उसके साथ हम बात करते हैं 7 प्रश्नों की या 6 प्रश्नों की, जिनमें से भी 3 या 4 प्रश्न आपके जरूर वर्ड एंड पावर वर्ड एंड एक्सेल से आएंगे, तो वर्ड और एक्सेल की आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तो इन 4 टॉपिक की आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। बाद में बचे हुए टॉपिक जैसे इंटरनेट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन, इन सभी के भी एकाध प्रश्न मिल जाएंगे। तो 2 प्रश्न आपके फिक्स है कि एक आपका शॉर्टकट की से आएगा और एक आपका शब्दावली से आएगा, बाकी वर्ड एक्सेल से आपको जरूर प्रश्न आते हैं, जो कि आपको 7-9 की पुराने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखने हैं। तो इस तरह से आपको अपने कंप्यूटर प्रिपेयर करनी है। जो टॉपिक आपका वीक रह रहा है उसको आप पर्टिकुलर देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए,
क्या आपसे बन पा रहे हैं, क्या आपसे नहीं बन पा रहे हैं। जो नहीं बन पा रहे हैं या कुछ आपको डिफरेंटली क्वेश्चन लगता है उसको आप साइड में राइट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आप उसको शॉर्टली आप पढ़ के जा सकते हैं, रीड आउट करके जा सकते हैं, तो वो आपके लिए ऐसे हेल्पफुल हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी कंप्यूटर की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो बुक आपने परचेज कर रखी है कंप्यूटर की, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है उसको जरूर रीड करके जाइए, अंडरलाइन करके जो जो आपको इम्पोर्टेंट रहे, सन लगे डायरेक्टली, सन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि जैसे कि इसे कब बनाया गया या इसे कब निर्मित किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सीधे ही आपको आ रहे हैं तो आप वहां पर कर पाते हैं, अगर नहीं आ रहे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको भी आप पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव आएगा उसकी आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाइए। दो तीन टॉपिक मैंने आपको बता दिए, इनकी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं, उसके साथ ही साथ मिक्स क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के करने हैं। तो इस प्रकार से आपको कंप्यूटर की आपको यहाँ पर अच्छी तैयारी कर लेनी है। प्रीति मैम के जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, ये गद्दर सीरीज बताई है, इसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से, जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हुए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देगा। समय मिलने पर आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।